करेंगे बड़ी खबर का। कबड्डी में यूपी के खिलाड़ियों की अनदेखी का आरोप लगा है। एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में एक का भी चयन नहीं हुआ। राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड जीतने वालों को राष्ट्रीय टीम में नहीं दी गई जगह, और ऐसे में यूपी की सीनियर टीम ने अहमदाबाद के राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। राष्ट्रीय खेलों में शामिल टीम के एक भी खिलाड़ी को एशियन चैंपियनशिप का टिकट नहीं मिला है। ऐसे में दक्षिण कोरिया में 27 से 30 जून तक खेली जाएगी एशियन चैंपियनशिप। यूपी कबड्डी एसोसिएशन ने नेशनल फेडरेशन में उठाने का इस पूरे मामले को फैसला किया है। सीएम योगी ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए केंद्र खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत की। सीएम योगी ने अफसरों से खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी ना होने के निर्देश भी दिए हैं। शैलेश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ। शैलेश, और क्या जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, जो एक एसोसिएशन की तरफ से देखिए, जब ये पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं एसोसिएशन से, देखिए जब अफसरों ने पूछा खेल विभाग के कि आखिर क्यों नहीं जो यहाँ के कबड्डी की टीम के खिलाड़ी हैं, सीनियर टीम है जो पहले राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुकी है, उसका नाम क्यों नहीं है बाहर जाने वाली टीम में, भारतीय टीम में, तो उसके बाद में देखिए एसोसिएशन जो है वो एक तरफ फेडरेशन से जानकारी दे रही है इस पूरे मामले की। तो खुद अफसरों ने इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई, जिसके बाद में केंद्रीय खेल मंत्री से उसको लेकर चर्चा हुई है। और ये कहा गया है कि वहां पर बातचीत के दौरान कि यहाँ की जो टीम है सीनियर खिलाड़ियों की, देश का नाम रोशन कर चुकी है, तो उस टीम के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, इसको लेकर देखिए चर्चा हुई है। 27 से 30 तारीख तक ये बुसान में जो खेल होने हैं दक्षिण कोरिया में, तो देखना ये होगा कि अब इतने कम समय में, क्योंकि समय बहुत कम है, ऐसे में क्या होता है आगे, इन चीजों पर सबकी निगाह बनी हुई है। दूसरी ओर जो खेल विभाग है वो खुद भी एसोसिएशन से, फेडरेशन से, सभी लोगों से लगातार संपर्क में है कि जो यहाँ के ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार प्रदेश का नाम रोशन किया है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, शैलेश, समय बेहद कम है और ऐसे में देखना होगी कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। शामली से खबर है, यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में पुलिस कर्मी को भी गोली लगी। आपको बता दें कि बदमाशों के पास से डकैती का माल भी बरामद हुआ। दोनों बदमाशों पर लूट और डकैती के कई मामले पहले भी दर्ज हैं। 25,000 का इनामी, बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को हाथ लगी। मुठभेड़ में पुलिस कर्मी को हालांकि यहाँ पर गोली लगी, लेकिन बदमाश यहाँ पर हत्थे चढ़ गया है और साथ ही उसके पास से डकैती का माल भी बरामद। वाराणसी में मुख्तार के करीबी की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। मुख्तार के करीबी शूटर अंगद राय का घर कुर्क किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई हुई। गाजीपुर और वाराणसी पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी। शूटर अंगद राय पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी कराकर यहाँ पर की कार्रवाई को अंजाम दिया। गैंगस्टर अधिनियम बनाम अंगद राय उर्फ झुल्लन राय आदि थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट की धारा सुनो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।